देहरादून में लखपति दीदी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। दरअसल महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से मेले का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान महिलाओं को कौशल विकास विभाग की तरफ से चेक नियुक्ति पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम विकास विभाग की तरफ से किया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है, पहले जहां उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी हैं। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे। वहीं जोशीमठ के डीएम हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को 18 किलोमीटर की दुर्गम खड्डी चढ़ाई पैदल तय करते हुए जिले के सबसे दूरस्थ गांव डुमकपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुदूरवर्ती गांव किमाड़ा, कलकोट और डुमक में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के दूरस्थ क्षेत्र कलकोट डुमक गांव पहुंचने पर ग्रामीण खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने डीएम का फूल मालाओं से भव्य स्वागत करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। डीएम ने कलकोट गांव में एएनएम सेंटर प्राथमिक विद्यालय कलकोट का निरीक्षण किया। कलकोट में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां थोड़ी ही देर में शुरू होगी सीएम धामी की बैठक। भर्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक होनी है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। अलग अलग विभागों में जल्द भर्तियां कराने को लेकर मंथन होगा। अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष सीएम को जानकारी देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी 1 बजे का समय, क्योंकि बताया जा रहा था भर्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है, जो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। अलग अलग विभागों में जल्द ही भर्तियां कराने को लेकर मंथन होगा। ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, बेरोजगारी दूर हो सके, ये इस बैठक का मकसद है। अलग अलग विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं सीएम को जानकारी देंगे। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? और नहीं हुई है तो कितनी देर में शुरू होगी, क्योंकि 1 बजे का समय बताया जा रहा है? गुंजन, देखिए बैठक अब से लगभग 15 से 20 मिनट बाद शुरू होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी एक कार्यक्रम में मौजूद है और मैं भी वहीं पे मौजूद हूँ। यहाँ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आकाश तत्व को लेकर एक कार्यक्रम केंद्र सरकार के माध्यम से चलाया गया था, उसी पर गोष्ठी में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं और सीधे सचिवालय जाएंगे, और सचिवालय में जो बैठक आज भर्तियों के संबंध में बुलाई गई है उसमें वो मंथन करेंगे। सभी अधिकारी और तमाम जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं। कार्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी, क्योंकि जिस तरह से जब सरकार उत्तराखंड में जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं से यह वादा किया था कि हर साल 24,000 भर्तियां वो उत्तराखंड में निकालेंगे और जल्द से जल्द उन भर्तियों पर जो भी विज्ञप्ति है वो जारी की जाएंगी, और जो यहां से जो भी तैयारी की जाती है विभाग स्तर पर उसको एक बड़ा लंबे समय से उस पर विचार विमर्श चल रहा था और उसी को लेकर आज मंथन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भर्ती घोटाला मामला हुआ था वो सभी पूरी तरह जगजाहिर है, तमाम उसमें गिरफ्तारियां हुई और कई भर्तियां उसकी वजह से रद्द हो चुकी हैं। कई भर्तियों के जो अध्याचन आयोग के द्वारा गए थे, आयोग पर गए थे, वो भर्तियां नहीं गई हैं। अब लोक सेवा आयोग द्वारा समूह गएगी कुछ भर्तियां, अब उनकी प्रक्रिया चल रही है और जनवरी फरवरी के अंत तक वो परीक्षाओं के विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी, उनकी परीक्षाएं होंगी। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से वित्तीय संकट गरमाया हुआ है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 31 मार्च 2021 तक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 60,000 ऐसी भर्तियाँ थी, पद थे जो खाली पड़े हुए थे। 2,500 पदों के सापेक्ष यहाँ 1,90,000 कर्मचारी उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और उसमें से लगभग 60,000 पद ऐसे हैं जिनको सरकार को भरना है, जिनमें नहीं भरे हुए। ये सिर्फ मैं जो राज्य स्तरीय और जो अर्ध सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनकी बात कर रहा हूं, इसके अलावा बोर्ड, आयोग और अन्य जो तमाम निगम हैं उनमें भी लगभग 20,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 80,000 से ज्यादा पद हैं जिनको उत्तराखंड सरकार को भरना होगा और उन्हीं के बाद तमाम जो लोगों को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन क्योंकि जिस तरह से तमाम प्रक्रियाएं चली हैं और जिस तरह से तमाम धांधली सामने आई है, उसके बाद जिस तरह से सरकार पर एक बड़ा दबाव बना है युवाओं का, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि सरकार अपने स्तर से सभी विभागों से जो भी
विभागों के पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों के अध्याचन मांगेगी, उनसे तमाम लोगों से पद कितने किस विभाग में खाली पड़े पद हैं उनके तमाम लोगों की रिक्तियां के सापेक्ष जो भी पद हैं उनसे जानकारी हासिल करेगी। उसके बाद विभागों के माध्यम से ये अध्याचन निकाले जाएंगे और फिर आयोग को भेजे जाएंगे, क्योंकि अभी तक सरकार भी ये तय नहीं कर पाई है कि जो समूह कैक है गै और घ की जो भर्तियाँ हैं वो किस माध्यम से की जाएंगी, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पर जितनी भर्तियाँ हैं उन पर रोक लग गई है, वो अभी फिलहाल कोई भर्ती नहीं करा रहा है, लेकिन जो लोक सेवा आयोग है उसके माध्यम से उत्तराखंड समूह की कुछ भर्तियों की प्रक्रियाएं जारी है, उन्हीं को लेकर सरकार आज मंथन करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्मिक विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और तमाम विभाग के अध्यक्ष से बातचीत करेंगे किस विभाग में कितने पद खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद 2 से 3 महीने बाद एक ड्राफ्ट सरकार तैयार करेगी, विभागों में जो भी पद खाली पड़े हुए हैं उनको लेकर जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू की जाए और जल्दी जो वादा सरकार ने किया था उसके सापेक्ष काम किया जा सके। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो जल्द से जल्द भर्तियां हो सके इसको लेकर बड़ी बैठक होगी, आपसे 15 से 20 मिनट में सचिवालय पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होनी है। उत्तराखंड लोक संस्कृति का पर्व इगास पूरे धूमधाम से मनाया गया। पहली बार इगास का आयोजन दिल्ली में भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर हुआ, इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास दिल्ली में कार्यक्रम हुआ खास। धूमधाम से बना रोशनी का त्योहार, खिले चेहरे खुशियां अपार। ये पहला ऐसा मौका था जब उत्तराखंड लोक संस्कृति का पर्व इगास पहाड़ के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर रोशनी का ये त्योहार इस अंदाज में बना कि हर किसी के चेहरे पर न केवल इस त्योहार को मनाने की खुशी थी बल्कि लोक पर्व मनाने की उत्सुकता भी दिखी। इगास के खास पर्व पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी पहाड़ी रंग में रंगे नजर आए। भाजपा सांसद ने एक से बढ़कर एक पहाड़ी गाने गाकर इगास मनाने आए लोगों का दिल जीत लिया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो आरती गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ये राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोशिशों का ही नतीजा है जो उत्तराखंड का लोक पर्व इगास इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस मौके पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी बेहद खुश नजर आए। लोगों से भी उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े इस पर्व को हर साल धूमधाम से मनाने की अपील भी की। बहुत ही प्रसन्नता का दिन है और व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए आज बहुत ही अहम दिन है। हम पिछले कई सालों से इगास को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे, दुनिया को पहचाने कि उत्तराखंड का त्यौहार कैसे होते हैं, उत्तराखंड के लोक संस्कृति कैसे होती है। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, बहुत ही संतोष का विषय है। देश भर के अनेक लोगों ने आके इगास में शामिल हुए हैं, इगास मनाया है। मैं इन सभी लोगों का बहुत आभारी हूं और उत्तराखंड के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुत धूमधाम के साथ इगास मनाया है।
वही ईगास के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई सांसद और दिल्ली में उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल हुए। संत समाज के कई लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए। ये पहला मौका था जब दिल्ली में ईगास का पर्व इस कदर धूमधाम से मनाया गया। ईगास को उत्तराखंड में बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। माना ये जाता है कि भगवान राम की अयोध्या वापस लौटने की खबर उत्तराखंड के लोगों को 11 दिन के बाद मिली थी। 11वें दिन ही गढ़वाल सेना अपने घर भी पहुंची थी। तभी से हर साल दिवाली के ठीक 11 दिन बाद पहाड़ के लोग भेलू खेलकर, दिए जलाकर ईगास के इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। पहले आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। कोविड की आहट के साथ ही अपने आप को तैयार कर चुका था। समय के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हरेक क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ संवाद, शासन को सक्रिय करना, प्रशासनिक मशीनरी को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं और उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया। इतनी बड़ी आबादी के लिए फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करना, फ्री में उपचार की व्यवस्था करना, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना, केवल वैक्सीन की दो डोजेज ही नहीं, प्रिकॉशन डोज भी हर व्यक्ति को फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, और यही नहीं, हर महामारी हमेशा अपने पीछे कुछ अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ती थी। हर महामारी अपने पीछे भुखमरी लेकर के आती थी और पहली बार भुखमरी के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य भी अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। हम लोग भी इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार कार्य करते रहे और लगातार कार्य करते हुए हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि समय से लिए गए निर्णय का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ सकता है और पहली बार हुआ है। खासतौर पर बिहारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने यहां से डिग्री प्राप्त की है या जो यहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इंसेफ्लाइटिस यहां 1977-78 में आया था, 1977-78 से लेकर के लगातार 2017 तक 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला यहां पर इंसेफ्लाइटिस के माध्यम से होती रही। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में आ चुका था और गोरखपुर पहुंचने में से 100 साल लगे हैं। 2005 में इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन गोरखपुर पहुंचा है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं दो दो वैक्सीन भारत को मात्र 9 महीने के अंदर प्राप्त हो चुके हैं। यानी समय से लिए गए निर्णय, एक संवेदनशील व्यवहार और विशेषज्ञों की टीम के साथ संवाद का परिणाम किस रूप में सामने आ सकता है, यह कोरोना प्रबंधन हम सबके सामने देखने को मिलता है और यही परिणाम, यही कारण रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप हमसे अच्छा रहा हो, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका में कोरोना से मौतें भारत से दुगनी हुई है। यूरोप में भी इसी प्रकार के आंकड़े सामने, चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं और इसलिए आप सभी इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा, हमें कोरोना प्रबंधन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कौन से ऐसे पक्ष थे जो हमारे अच्छे थे, जो कोरोना प्रबंधन को भारत को दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने में जिससे मदद मिली और उसे हम दैनिक जीवन में भी किस रूप में ले सकते हैं, यह इसका एक माध्यम बनेगा। दूसरा, 1200 से 1500 के आसपास
यहाँ पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से पास आउट जो छात्र हैं, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में अपने कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं। सचमुच आपका आगमन गोरखपुर के दिल से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जब गोरखपुर में पढ़ते रहे होंगे तो गोरखपुर छोटी सिटी थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सिटी से दूर था, और यही नहीं आवागमन की सुविधा भी बहुत खराब थी, ट्रेन की सुविधा लगभग ना के बराबर थी, एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का अभाव था। मुझे याद है जब 1998-99 में मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया था इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को देखने की दृष्टि, एक एक बेड में चार चार मरीज भर्ती थे, बड़ी बदबू थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा जब आप स्वर्ण जयंती समारोह में देश से, दुनिया से, किसी भी देश से जब गोरखपुर में आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों के बाद गोरखपुर आए होंगे, आज आपको गोरखपुर बदलता हुआ दिखाई दिया होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मार्ग 4 लेन के मार्ग में बदल चुका है। गोरखपुर में देश के सभी प्रमुख अस्पतालों से वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। आज के दिन में गोरखपुर में 14 फ्लाइट आ रही है, एक गोरखपुर में आ रही है, ट्रेन की अच्छी सुविधा हो चुकी है, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधा आपको मिली है, सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज यहां पर हम नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास और कॉलेज भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, सीआरसी और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज का यहां पर उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये सभी बदलती हुई तस्वीर के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एक नई पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इसलिए मेरी आप सबसे, मेरा अनुरोध होगा आप सबसे, ये हमारा कुछ दायित्व तो हमारा भी बनता है, याद रखना कि हम सबको, हमारे जीवन को हमारे भारतीय मनीषा ने इस रूप में तय करके रखा है कि भारतीय की पहचान ही इस बात के लिए होती है कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करना सीखे, और ये हर एक भारतीय का दायित्व बनता है, हर भारतीय इस बात को मानता है, जिसे हम सामान्य जीवन में यज्ञ मानते हैं, केवल धार्मिक कर्मकांड ही यज्ञ नहीं होता है, शिक्षण के साथ जुड़ना भी एक यज्ञ है, अपने माता पिता का सम्मान करना भी और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना भी अपने आप में एक यज्ञ है। जिस संस्था के प्रति, जिस संस्था ने हमें योग्य बनाया या योग्य चिकित्सक के रूप में देश और दुनिया के सामने एक पहचान दी है, उस शिक्षण संस्थान के प्रति, उस चिकित्सा संस्थान के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना, और उनके उस कार्यों के प्रति कि मुझे इस संस्था के प्रति से ये डिग्री प्राप्त हुई, तो वहां हमारे लिए पवित्र धर्मस्थल होना चाहिए, पवित्र मंदिर जैसा पवित्र दिखना चाहिए, और वो पवित्रता का भाव जो हमारे मन में आएगा तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई मंजिल की ओर अग्रसर करने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करेगा। इस संस्थान कोई केवल जीवन, केवल एक स्मारक मात्र नहीं होते हैं, ये केवल भवनों का एक टुकड़ा नहीं होता है, एक जीवंत स्मारक होते हैं जो हमें नित्य नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, और इस प्रेरणा का स्रोत हमारे पास जो कुछ भी होगा, हम अपनी उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक अवसर देखते हैं और एक तिथि होती है। मैंने जो बताया कि 50 साल का उम्र किसी भी संस्थान के लिए उपलब्धियों भरा होना चाहिए, और उपलब्धियों भरा तब होना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ मामलों में बहुत चीजें लगती हैं, इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की यहां पर चर्चा हुई, और इंसेफ्लाइटिस के लिए मैं 1998 में मैं सांसद बना था गोरखपुर से,
गोरखपुर की जनता ने मुझे गोरखपुर से सांसद बनाया, और सांसद बनने के बाद जब मेरे संज्ञान में आया कि बिहारी मेडिकल कॉलेज में एक ही बेड में चार चार बच्चे लिटाए गए हैं, बड़ी दुर्व्यवस्था है, तो मैं आया था यहां से। उस समय मैंने देखा था, पार्लियामेंट में मैंने इस मुद्दे को रखने का प्रयास किया था, बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे मौका मिला था, और बाद में फिर यह एक जन आंदोलन बनाया गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।